एनसीपी का आरोप पूछा इजाजत ली थी। महाराष्ट्र में फिलहाल महाविकास अघाड़ी और शिंदे फडणवीस सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप की खबरें तो आप रोज सुनते और देखते होंगे। इस बार राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी अमृता फडणवीस की वजह से विपक्ष के निशाने पर आए हैं। विपक्ष में बैठी एनसीपी के नेता और प्रवक्ता हेमा पिंपले ने अमृता फडणवीस पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आवंटित किए गए सरकारी बंगले में एक रील शूट किया है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। हालांकि हेमा पिंपले के इस आरोप पर फडणवीस दंपति की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हेमा पिंपले की मांग क्या? इस मामले में एनसीपी की प्रवक्ता हेमा पिंपले ने यह दावा किया है कि अमृता फडणवीस ने यह वीडियो सरकारी आवास पर शूट किया है। ऐसे में उनसे यह सवाल पूछा जाना लाजमी है कि क्या इस विषय में उन्होंने संबंधित विभाग और अधिकारियों से इसकी इजाजत ली थी। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मालाबार हिल में मौजूद सागर बंगले में रहते हैं। यह उनका सरकारी निवास स्थान है। यहां वह अपनी पत्नी अमृता फडणवीस और परिजनों के साथ रहते हैं। दरअसल यह बंगला महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD के मातहत आता है। हेमा पिंपले का यह दावा है कि इस तरह की शूटिंग के लिए राज्य के PWD और सांस्कृतिक मंत्रालय से अनुमति लेनी चाहिए थी।